हे गाइस, आज मैं अल्ता डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन है ज़िगज़ैग अल्ता डिज़ाइन एंड काफ़ी खूबसूरत लगते हैं अगर आप अल्ता को डिज़ाइन करके पहनते हैं तो। और नॉर्मल जो सिंपल डिज़ाइन आता है तो वो तो हर कोई पहनता है एंड आप डिज़ाइन करके पहनते हो ना तो काफ़ी अलग लगते हैं, सबसे अलग। तो इसी वजह से मैंने सोचा कुछ अल्ता डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर कर दूँ जो मैं पहनती हूँ। इस तरीके से मैं भी पहनती हूँ एंड तो देख सकते कुछ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया एंड इसको ऊपर में जो है इस तरीके से डॉट डॉट कर दे रहे हैं। एंड उसके बाद सेम डिज़ाइन मैंने इस फ्रंट में भी कर लेंगे जो मेरा थम है ना, थम के साइड जो है सेम डिज़ाइन कर लिए है मैंने, जो कि दिखाए नहीं तो सामने से। उसके बाद मैंने फिर से इस तरीके से जो फिंगर का जो बीच में लाइन होता है ना, उस लाइन को अच्छा से ड्रॉ कर लेंगे एकदम से सिंपल ड्रॉ। और हाँ, जब भी आप अल्ता पहनते हो ना तो मतलब अल्ता लगाते हो तो फिंगर के बीच में जो गैप रहता है उसको अच्छा से फील कर ले तो काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। एंड उसको इस तरीके से ऊपर से जो कॉर्नर शेप में ट्रायंगल शेप में इस तरीके से निकाल लेंगे। ये कुछ अलग डिज़ाइन है अल्ता का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो मैं पहनती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। और हाँ, आप अगर बिछिया एंड पायल पहनते तो और अल्ता उभर कर आता है तो अगर पहनते हैं तो ज़रूर इस तरीके से डिज़ाइन करके अल्ता पहने। एंड सामने भी इस तरीके से मैंने ज़िगज़ैग कर लिए है एंड दोनों साइड ऊपर नीचे में दोनों तरीका से डिज़ाइन इस तरीके से दे देंगे एंड डॉट डॉट बना के पूरा फील कर लेंगे तो काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन मेरा बन जाता है, देख सकते हैं। एंड डिज़ाइन मेरा रेडी हो चुका है एंड दोनों पाँव में आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन दिखने में, तो देख सकते हैं। एंड चलिए चलते, आप दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट डिज़ाइन जो कि सिंपल सा इस तरीके से आपको बनाना है, एकदम ईजी डिज़ाइन है। आप हाफ एस बना सकते हैं इस तरीके से करके एंड मैं सामने भी इस तरीके से बना ले रही हूँ, दोनों साइड मैंने दिखा दे रही है क्योंकि मैंने पहली बार नहीं दिखाए थे, इसी वजह से मैंने सोचा इस बार दिखा देती हूँ आप लोगों को इस तरीके से। और हाँ, मैंने पहले भी एक अल्ता डिज़ाइन शेयर किए थे तो उसमें काफ़ी अच्छा सा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा फिर से दिखा दूँ आप लोगों के लिए। तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं एंड देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें सिंपल सा मैंने डिज़ाइन किया एंड सामने में फ्रंट में जो है इस तरीके से एस बना लेंगे एंड इस तरीके से जो ईयरबड होते हैं ना उसका जो एक साइड का मैंने रुई निकाल दिए है एंड उसके स्केल से मैंने जिस तरह रुई नहीं है उसके से पतला पतला डिज़ाइन होता है तो इस तरीके से मैं डिज़ाइन कर लिया ताकि अच्छा से डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाए। और हाँ, और क्लीन एकदम से क्लीन शेप चाहते हैं ना तो आप टूथपिक के से डिज़ाइन करेंगे ना तो काफ़ी क्लीन आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है टूथपिक का जो निकला हुआ रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है तो उससे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनता था, उससे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी से बना रही हूँ, मैं आगे उससे भी बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिंगर पे जो मेरा देख सकते हैं लाइन जो ख़त्म हो चुका था तो उसको मैं इस तरीके से डॉट डॉट कर दे रही हूँ ताकि एक अच्छा सा क्लीन शेप बनकर रेडी हो जाए। एंड इसके बीच में जो जो गैप है ना उसको इस तरीके से डॉट बना बना कर नीचे का साइड खींच दे रही हूँ तो काफ़ी अच्छा सा भरा हुआ सा लुक आ जाता है इसी वजह से। आप चाहो तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं, ये है फाइनल लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला लुक भी। एंड कौन सा अच्छा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पे एंड नेक्स्ट डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से हाफ हाफ करके एंड आप कैप के हिल से भी इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे आप लोग बोलेंगे तो मैं वो भी डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैं पूरे पाँव में अच्छे से कर लेंगे हाफ हाफ शेप करके। उसके बाद ना आपको इस तरीके से जलेबी बनाना है, जलेबी बनाना तो शायद हर किसी को ही आता है, जलेबी बनाना बचपन से ही हम लोग सीखते, सबसे पहले जलेबी बनाना ही शायद एंड बहुत ही ईजी है जलेबी बनाना। तो इस तरीके से जलेबी बना लेंगे एंड हाँ, एक और डिज़ाइन भी मैं भी दिखा देंगे जो कि सेम डिज़ाइन बन जाएगा जलेबी एक और तरीका से, जो कि उसके बाद इस तरीके से एक नीचे से लाइन मिला देना है ताकि क्लीन सा शेप हो जाए। तो उसके बाद ये वाला डिज़ाइन है जो कि सेम जलेबी का डिज़ाइन आ जाएगा कि जब लाइन मिलाएंगे ना तो वो जलेबी के शेप में बन जाएगा, जो कि आपको दिखाऊँगी आगे। तो सबसे पहले इस तरीके से मैं कर ले रही हूँ और थोड़ा सा बाहर का नॉइज़ वगैरह आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है और अभी मैं वॉइस दे रही इसी वजह से। और इसको इस लाइन को भी इस तरीके से मिला लेंगे एंड देख सकते हैं सेम डिज़ाइन जो है बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना चाहिए पड़ेगा जो कि मैं कर ले रही हूँ, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते, एक ही बार आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से बर्फी शेप डिज़ाइन देना है। आप चाहो तो थोड़ा सा लॉन्ग डिज़ाइन भी कर सकते बट मैं इस तरीके से छोटा में ही किए क्योंकि डिज़ाइन करेंगे तो आगे बड़ा हो जाएगा इसी वजह से। एंड उसके बाद मैं सेंटर में एक राउंड शेप बना लिया एंड उसमें मैं लिप बनाकर फ्लावर बना दे रही हूँ कुछ इस तरीके से बनाए हैं एंड जितना भी मेरा गैप था ना उसको इस तरीके से फिल कर लेंगे तो खाली फ्लावर दिखेगा तो काफ़ी अच्छा सा लुक आता है इसी वजह से, देख सकते हैं। मेहंदी का जो ये सब डिज़ाइन होता है ना तो मैं वही सब डिज़ाइन को फॉलो कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
एंड इस तरीका से पूरे राउंड जो है पूरा सर्कल को जो है इस तरीका से कर देंगे, मतलब स्क्वायर जो है ना उसको इस तरीका से कर देंगे एंड साइड में जो है इस तरीका से डॉट डॉट करके कर देंगे। तो सबसे पहले बड़ा सर्कल बना के एंड उसको फिल करेंगे एंड इस तरीके से छोटा छोटा कर देंगे। तो मैं टोटल 3 डॉट्स बनाए हैं एंड तो पूरा मैंने इस तरीके से कर लिए है। और उसके बाद जाकर अब करेंगे फिंगर, और फिंगर पे मैं फिर से इस तरीके से कॉर्नर शेप दे रही हूँ, ट्राइंगल शेप, क्योंकि मेरा इसमें स्क्वायर बना हुआ था ना, इस वजह से उसके साथ मैच करता है ये वाला डिज़ाइन, इसी वजह से मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ। एंड इसका जो अंदर में है ना उसको फिल कर लेंगे सेम साइड से, जिधर रुई नहीं है उस साइड से। एंड जब थंब को करेंगे तो उस टाइम जो जिस साइड रुई है ना उस साइड से करेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छे से फिल हो जाएगा, क्योंकि थंब में थोड़ा सा ज़्यादा जगह है स्पेस, इसी वजह से मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और उसके बाद जितना भी जगह मेरा खाली था फिंगर के बीच में उसको फिल अप कर लेते हैं इस तरीके से। और फिल अप अगर नहीं करते हैं बीच में जो गैप बचते हैं ना तो अच्छा डिज़ाइन जो है क्लीन नहीं लगता, इसी वजह से फिल अप जरूर करें। एंड टिप सब जो होता है उसको डिज़ाइन डॉट डॉट दे दिया एंड मेरा फाइनल लुक जो है ये है, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। और आप कहीं जाते हैं ना कोई